इंडिया को बहुमत मिल चुका है, रुझानों में इंडिया को बहुमत मिल चुका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रुझानों में अभी रुझानों में इंडिया को बहुमत मिल चुका है। और 250 पीछे बैक गियर लगा, ये बैक गियर लगा पीछे हुआ, 250 पर आंकड़ा आकर टिक गया। जिस इंडिया को प्रज्ञा जी 180 पार नहीं कर रहे थे, 100 पार नहीं कर रहे थे, वो 255 पार है रुझानों में। और क्या हो सकता है, जनता जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। नई सूचना का संकेतक पीछे चल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी पीछे चल रही है। दोनों सीटों की बात हुई, यानी कि अनुप्रिया पटेल की अपनी सीट जहां से अनुप्रिया पटेल खुद लड़ रही है वहां से भी पीछे है, और रिंकी कौल जो दूसरी सीट है वो भी पीछे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल पटेल की दोनों सीटों पर अनुप्रिया पीछे चल रही है। बहुत बड़ी खबर, भयंकर कॉन्टेस्ट, भयंकर फाइट, जबरदस्त लड़ाई। टोटल सीट्स में 513 की रुझान आ चुके हैं, जिसमें 245 यानी 245 पर एनडीए है, इंडिया 255 पर है, यानी अभी भी रेस में दौड़ लगाता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, अदर्स 13 पर है। उत्तर प्रदेश में 71 सीटों के रुझान आ गए, इंडिया 30 पर, इंडिया 40 पर। मैं रोकूंगी, अपने आप को अपडेट है, अपडेट खबर 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 खबर। नई सूचना का संकेतक कौन हो चुका है? नई सूचना ये कह रही है कि अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। अमेठी में भी कमाल होता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी के पीए रहे किशोरी लाल शर्मा से पीछे हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। स्मृति ईरानी जो हंस हंस करके अपनी रैलियों में मंचों से प्रियंका गांधी की मिमिक्री करते हुए दिखती थी, तमाम पत्रकारों को धमकियां देते हुए दिखती थी, वो स्मृति ईरानी इस तरीके से पीछे हो जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि अमेठी की जो ये सीट है ये भयंकर कांटे की टक्कर में फंसी हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेठी पहुंचे भी नहीं थे, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जरूर पहुंचे थे स्मृति ईरानी का साथ देने के लिए, उनके लिए रोड शो रैली करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे एक संकेत, चलिए खबर खबर खबर, जब तक खबर नहीं आएगी। आगे बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नई दिल्ली से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, भयंकर फाइट देते हुए। दिल्ली में भी खेल बढ़िया चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उस तरीके से एक सिंपथी वाली लहर लोगों के दिल में, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जगह बनाए हुए हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा भी था कि हम लगातार इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और देश भर में हम प्रचार करेंगे, और अरविंद केजरीवाल वैसे ही करते दिखाई भी दिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अमेठी से जो बड़ी खबर आई है जहां से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, देखिए अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते स्मृति ईरानी के सामने तो ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो जाती, ये जो लड़ाई होती है भयंकर लड़ाई हो जाती, ये ऐसी लड़ाई हो जाती आन बान और शान की लड़ाई हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने एक जबरदस्त चक्रव्यूह रचा और फंस गई स्मृति ईरानी। प्रज्ञा जी इंडिया 255 सीटों पर, 255 सीटों के साथ रुझानों में लीड लेती हुई आगे दिखाई दे रही है। नई सूचना का संकेतक भी आ चुका है। सूचना को इस बार मैं ही पढ़ूंगा, मुझे मौका दीजिए, इस बार इस सूचना को मैं ही पढ़ूंगा। नई सूचना का संकेतक, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे। हालांकि उत्तर प्रदेश की सूचना मेरे हिस्से में नहीं आई, बिहार की सूचना मेरे हिस्से में आई प्रज्ञा जी। बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। और ये जो आंकड़े स्क्रीन के ऊपर हैं प्रज्ञा जी, मैं आपको क्या बताऊं, इन आंकड़ों की कल्पना किसी ने नहीं की थी। इन आंकड़ों की कल्पना सबका सब डिमोटिवेट हो चुके थे, एग्जिट पोल देखने के बाद सब डिमोटिवेट हो चुके थे, सबके कंधे झुक चुके थे। जो विपक्षी दलों के लोग दिखा रहे थे सामने से कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं, वो भी अंदर अंदर कुछ ना कुछ डिमोरलाइज हुए थे। लेकिन ये कल्पना, ये अकल्पनीय है जो दिख रहा है, ये अकल्पनीय है।
एनडीए 245 और इंडिया 255 बराबरी के साथ किसी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, किसी की भी, दोनों दोनों की लंगड़ी सरकार बनती हुई दिख रही है, बैसाखी पर सरकार चलाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एनडीए 245 इंडिया 255 जनता ने चुनाव लड़ा है प्रज्ञा जी, लोकतंत्र का कमाल है, दिखा रहा है कि जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने ठोक कर चुनाव लड़ा है, ठोक कर जनता ने ठोक कर चुनाव लड़ा है। कि संविधान पर अगर आपने उंगली उठाई, संविधान पर आपने अगर सवाल या निशान उठाया तो फिर भाई जनता बख्शेगी नहीं। ये जितना कमाल है भरत जी, मैं विपक्ष की मेहनत से ज्यादा मेहनत जनता की कहूंगी, जो इतनी गजब हो रहा है, गजब हो रहा है, गजब हो रहा है, आज के रिजल्ट में गजब हो रहा है। नई सूचना का संकेतक, नई सूचना का संकेतक किसी मतगणना से आया है। नरेंद्र मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। नई सूचना के संकेतक ने बवाल मचा दिया है, बवाल, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हे श्री राम, हे जगन्नाथम, ये क्या हुई? ये नरेंद्र मोदी के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं, मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री जी पीछे चल रहे हैं, पीछे आधा दर्जन मंत्री कहाँ जाएंगे? ये भी तो देखिए, खुद नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। अभी आपने बताया कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से बनारस से पीछे चल रहे हैं, तो उनके मंत्री कहाँ जाएंगे? फिलहाल की बड़ी खबर है कि नई सूचना का संकेत कौन हो चुका है, और संकेत में मेनका गांधी, मेनका गांधी, अरुण गोविल, स्मृति ईरानी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, तो धागा खोल दिए धागा। मेन अरुण गोविल, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, तीनों पीछे, इतने बड़े बड़े नेता, बाप रे बाप। ये जनता क्या की है भैया, ये जनता क्या कर दी है इस बार, क्या कर दी है? रुझान में आप देखिए, ये जनता क्या कर दी है? मेनका गांधी, अरुण गोविल, स्मृति ईरानी रुझानों में पीछे दिखाई दे रहे हैं, रुझानों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक की जाए, सेंसेक्स धड़ाम हो चुका है, सेंसेक्स धड़ाम हो चुका है। जो मोदी ये कह रहे थे कि सेंसेक्स का ऊपर जाएगा, फाड़ देगा, सेंसेक्स धड़ाम हो चुका है। नई सूचना का संकेतक, संकेतक, संकेतक अभी लिख ही रहा है, संकेतक टाइप कर रहा है, सेंसेक्स 1900 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स 1900 पॉइंट गिर गया है, सेंसेक्स 1900 पॉइंट गिर गया है। ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये नहीं होना चाहिए। कारोबारी अपना कारोबार करें, बाजार को आगे बढ़ाएं, लेकिन लेकिन जिन भावनाओं पर सवार होकर, जिन खबरों पर सवार होकर इस गोदी मीडिया ने इस देश में व्यापारियों को पेड़ के झाड़ पर चढ़ा दिया था, मटर के चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था, उन व्यापारियों को, बिचारों को औंधे मुंह गिरना पड़ गया। आप देखिए प्रज्ञा जी, उन व्यापारियों को गिरना पड़ गया इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में जिन लोगों ने सेंसेक्स में पैसे लगाए, शेयर सट्टा बाजार, शेयर बाजार में पैसे लगाए जी, उनके पैसे डाउन हो गए। देख रहे हैं 1000 कितना, 900 पॉइंट क्या था वो भूल गया मैं, अभी जो अभी हमारे पास संकेतक आया था, पॉइंट डाउन हो गए, 1900 पॉइंट गिर गए। ओ माय गॉड, वापस आते हैं सीटों पर। भरत जी, बहुत बड़ी खबर अभी आपने बताई थी कि अरुण गोविल, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। एक बात तो शुरुआती रुझानों में साफ पता चल गई कि इस बार कोई लहर वहर नहीं है, क्योंकि अरुण गोविल, अगर लहर होती तो अरुण गोविल पीछे शुरुआती रुझानों में भी नहीं होने चाहिए थे, अरे बम हो जाना चाहिए था। स्मृति ईरानी ने यह बात कही थी, अगर आपको याद होगा, कि अगर राम मंदिर बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। नई सूचना का संकेतक प्रज्ञा जी, जिसको कोई नहीं आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत बड़ी सूचना, बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर राजस्थान से आ रही है कि कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में जहां पे सूपड़ा साफ दिखाया जा रहा था, एग्जिट पोल में बुरी हालत दिखाई जा रही थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है, फाइट दे रही है। एक बात बिल्कुल साफ है, कोई लहर नहीं है, लोगों ने अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, फिर चाहे वो संविधान बचाने की बात हो, अग्निवीर की बात हो, महंगाई की बात हो, बताइए। नई सूचना का संकेतक कौन हो चुका है? और नई सूचना ये कह रही है, अमेठी में स्मृति ईरानी,
395 वोटों से पीछे हैं। कितना अमेठी में स्मृति ईरानी, एग्जैक्ट डेटा भी आ चुका है, एग्जैक्ट डेटा भी आ चुका है। अमेठी में स्मृति ईरानी 395 वोटों से पीछे हैं, 395 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे हैं। क्या स्मृति ईरानी, क्या स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पीए से चुनाव हार जाएंगी? क्या स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पीए से चुनाव हार जाएंगी? प्रज्ञा जी बहुत बड़ा सवाल है, 395 वोटों से पीछे चल रही हैं। 300 मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है प्रज्ञा जी। इस देश की महिला विकास बाल मंत्री स्मृति ईरानी नई सूचना का संकेतक, नई सूचना का संकेतक निफ्टी में अंकों की गिरावट, व्यापारियों को बचा कर रखिए। चने की झाड़ पर चढ़ा दिया गया इस देश में व्यापारियों को, चने की झाड़ पर चढ़ा दिया गया और औंधे मुंह गिरे हैं बेचारे व्यापारी। व्यापारियों का क्या कसूर है, व्यापारियों का क्या कसूर है इसमें, व्यापारियों का क्या कसूर है? इतनी तेजी से सेंसेक्स डाउन हो रहा है, चने की झाड़ पर चढ़ा दिया।